हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आर्या कैरियर एकेडमी में। आज हम लोग CHSL का सारे शिफ्ट का मतलब डेट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब जितने अभी तक 11 तारीख तक का जितने पेपर हुए हैं सबका क्वेश्चन हम लोग मैथ्स का करेंगे, ठीक है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड है जैसे हम आपको अभी बताएंगे, उसको हम लोग एक या दो बताएंगे। रिपीटेड क्वेश्चन को वो आप एक तरह से समझ जाओ कि डाटा उसका वही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में वेरिएशन रहेगा हर एक शिफ्ट में, ठीक है। और देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि टेन 45 डिग्री प्लस √2, ठीक है। देखिए, इसमें हम सारे शिफ्ट का क्वेश्चन कंबाइन कर लिए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था टेन 45 प्लस √2 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर दिया था, ठीक है। तो देखिए, टेन 45 का वैल्यू हम लोग का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस √2 आंसर हो गया। अब देखिए, किसी और शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि टेन 45 √2 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 प्लस √2 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा √2 प्लस 2, ठीक है। ये आप देख लिए। देखिए, उसी तरह इस टाइप का और भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि कॉट 60 माइनस 1/3, ठीक है। तो कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, और -1/3। तो अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3√3, ठीक है। अब आपको आंसर के अनुसार इसमें देखना है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है या नहीं लगाना है। अगर यही ऑप्शन में है तो इसी को और टिक कर लीजिए। उसी तरह देखिए, एक और क्वेश्चन आया था टेन 30 माइनस √3/2। तो देखिए, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, -√3 से √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, और नीचे में 2√3, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, -1/√3। तो देखिए, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये चारों क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक बार ध्यान रखो कि आपको जो टेन 45, टेन 60, टेन 60, साइन 30, साइन 60, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, इसका जो पूछा गया है किसी शिफ्ट में, कॉट 30 माइनस 1/√3। तो देखो, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3, और -1/√3, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो √3 से √3 यदि मल्टीप्लाई होता है 3, और 3 में से 1 गया तो 2/√3। अब ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो इस टाइप को आपका पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया है, एक्चुअल में ये दो तीन शिफ्ट में पूछा गया कि जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी डी ई, इसका वैल्यू दे दिया 3, इसका वैल्यू दे दिया 5, इसका वैल्यू दे दिया 7, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें सिमिलैरिटी हम लोग करते हैं, जैसे कि आप जिस साइड से लेते हो। अब जैसे देखो, ए डी ई सिमिलर टू, ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। देखिए, ए डी ई जो है ए बी सी के सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखिए, ए डी का अब इसको लिख सकते हैं आप यहां से ए डी, तो इससे क्या लीजिएगा, ए बी बराबर डी ई बाई बी सी ए बाई ए सी, ये आपको होगा। और इसको आपको लिखना कैसे है, देखिए, ए डी इसका लिए तो ए बी इसका लीजिएगा, डी ई इसका लिए तो बी सी इसका लिए, ए ई इसका लिए तो ए सी इसका लीजिए, और इसी पर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसका देख लीजिए, ए डी बराबर क्या दिया है, 3, ए बी बराबर क्या दिया है, तो ये 5 और 3 8, ए ई बराबर क्या है, 7, और इसको मान लेते हैं x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस
एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 + x = 57 = 56, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो आप इसको करिएगा तो 21, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 21 + 3x = 56, तो 3x = इतना हो गया, तो x = 35/3 आंसर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अभी तक, ठीक है, 3 शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में आ चुका है इस फॉर्मूला पर, मतलब इस कॉन्सेप्ट पर, सिमिलैरिटी पर। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, हो सकता है यहाँ पर डिजिट को वेरिएशन करे, क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, हो सकता है डिजिट में इसमें ये पूछा है, अगले में ये पूछ ले, हो सकता है पूछ ले ए सी क्या होगा। तो आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप पूरे तरह से इस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, a³ + b³ a² - b² इतना बराबर क्या होगा अगर a + b 8 दे दिया है और a - b 2 दे दिया है। तो देखिए, इसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, मगर सबसे आसान तरीका तो है कि ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो देखिए, आप ए बी का यदि वैल्यू निकालते हो, ये आपको निकालना है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से ये बी भी कट जाएगा यदि दोनों को करते हैं तो यहाँ पर ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो a बराबर क्या हो गया 5। अगर a बराबर 5 यहाँ पर पुट कर देते हो तो b बराबर क्या हो जाएगा 3। अब a और b आपको पता है तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 5³ = 125 और प्लस b³ = 27 और नीचे में 25 - 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 10 = 12 2 × 1 = 1 2 × 2 = 4 = 5 152, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई बताइए 16, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 × 7 = 14 2 × 6 = 12 2 × 8 = 8 2 × 3 = 6 2 × 8 = 16 2 × 2 = 4, इतना आंसर हो गया। देखिए, कुछ भी आ सकता है, अब यहाँ पर ए और बी का वैल्यू को वेरी कर सकता है, हो सकता है 10 दे दे, 2 दे दे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को, अब देखिए, हम इतना काटे, इतना करने का जरूरत नहीं, यहीं पर हमको पता था, यहीं पर डायरेक्ट हम कर लेते, मगर थोड़ा सा जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए किया गया है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आया था रेक्टेंगल से, ठीक है। देखिए, बोला कि कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से लिखा जाए, ठीक है। रेक्टेंगल है, एक साइड जो है उसका 7 दे दिया, 7 सेंटीमीटर, और डायगोनल जो है वो दे दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो पूछा क्या, वो पूछा है पेरीमीटर। और देखिए, इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इसको, ये जो क्वेश्चन है ये 2 शिफ्ट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एक शुरू में आया है, उसके बाद 8 या 9 तारीख के बाद एक शिफ्ट में इसको दिया गया है, बस यहाँ पर डिजिट को चेंज किया गया, जब जो ट्रिपलेट्स लगता है उसको चेंज कर लिया गया है। तो देखिए, ये हो गया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में जो डायगोनल बोल दिया, देखिए ए बी सी डी, ये 25 बोल दिया, और एक साइड 7, तो एक साइड मतलब कि ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, डायगोनल रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है, ये हमको पता नहीं है। तो आपको ये ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रिपलेट पता रहेगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट मार सकते हो कि 7 24 और 25 जो होता है ये ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है पैथागोरस थ्योरम में, उसी तरह 7 24, तो इसका ये हो गया 24। अब देखिए, अब ये भी पूछ सकता था आपसे, पेरीमीटर यहाँ पूछा है, तो 2 लेंथ + ब्रेथ होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है
रेक्टेंगल का, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको टू लेंथ कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया ब्रेथ 7, ठीक है। तो देख लीजिए, बासठ इसका आंसर हो गया। इसका पेरीमीटर कितना हो गया 62, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पर, यहां से आपको एक चीज सीखने को मिला कि अगर ट्रिपलेट यहां पर यदि 3 दे देता और यहां पर 5 दे देता, ये 4 हो जाता। अब ये कैसे हुआ, ये 24 कैसे हुआ, ये भी बता देते हैं। तो देखिए, जब आप ट्रिपलेट, जैसे कि कोई भी ट्रिपलेट क्या होता है, पैथागोरस जिस पर लगता हो, जैसे ये 3 ये 4, तो पैथागोरस ये कितना हो जाएगा 5। तो उसी तरह जब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करोगे और दोनों को जोड़ोगे, तो ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। जो बेस और परपेंडिकुलर है दोनों का जोड़, स्क्वायर का जोड़ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो अगर ये चीज़ लग रहा है तो वो ट्रिपलेट्स बोला जाता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर पूछ दिया था कि एरिया निकालिए, रेक्टेंगल का एरिया पूछ सकता था। तो एरिया का देखिए, अब आपको ये ट्रायंगल का तो एरिया पता होगा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2, बेस कितना है 24, हाइट कितना है 7, ठीक है, 7 पता है। तो यहां से हो जाएगा 12, 84 हो गया, इसका एरिया कितना आ गया 84। तो 84 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 2 16, 168 इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, पेरीमीटर पूछा है आपसे, साइड पूछ देता, एरिया पूछ देता। तो अगर पेरीमीटर पूछा है तो ये हो गया, यदि रेक्टेंगल का एरिया पूछ देता तब पर भी आप निकाल देते। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको ऑप्शन से किया जा सकता है। हम लोग को देखिए, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से है, हम इकट्ठा किए हैं जहाँ पर, इसको कंपाइल करके एक पूरे फॉर्म में आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अब ये ऑप्शन पर वेरी करता है, मगर सबसे बेहतरीन तरीका इसका करने का होता है 45 मान लेना एक्स का वैल्यू, क्योंकि टेन 45 कॉट 45 हमेशा एक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में मान लीजिए कि कुछ भी दिया हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स अ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अ बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, +1 +1, इसको सॉल्व करके एक पूरा ऑप्शन ए बी सी। तो जब आप 45 वैल्यू पुट करोगे ना, तो किसी ना किसी ऑप्शन में 4 जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ऑप्शन से करना सीखो, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे पूरा सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप जब भी टेन और कॉट के फॉर्म में आए तो आप 45 पुट कर लो, तो उससे आपको बहुत मतलब आसानी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और देख लीजिए, देखिए इसका ऑप्शन तो हमको नहीं मिला था, मगर क्वेश्चन पता चला गया था। क्वेश्चन जब ये है तो इसको इसमें 45 पुट कीजिएगा, तो 45 पुट करने से 4 आ जाएगा, और जिस ऑप्शन में 45 पुट करने के बाद 4 आ गया वही आंसर है इसका, ठीक है, और वो कोई एक ही होगा, दो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया, एक शिफ्ट में आया x +1/x इक्वल टू √3, तो x³ + 1/x³ निकालिए, ठीक है, ये पूछा गया एक शिफ्ट में। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया tan θ + cot θ इक्वल टू √3, tan³θ + cot³θ इक्वल टू क्या होगा। देखिए एक्चुअल में हम लोग सोचते क्या है ना कि अलजेब्रा और ट्रिगो दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं, दोनों एक ही चीज हैं। आप इसी क्वेश्चन को देखो चाहे इस क्वेश्चन को देखो, हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों एक चीज कैसे हैं। अब इस क्वेश्चन को वो क्या करता, x² + 1/x² + 1 + 1,
ऑप्शन सॉल्व करके दे देता है। तो यहाँ पर भी तो वैल्यू पुट करोगे तो 4 ही आएगा। अब ये टेन थीटा के जगह एक्स ले लिया है, तो ये इसको इस तरह लिख सकते हो ना आप, टेन क्यूब थीटा प्लस 1/10³ थीटा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x = √3, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा। अब ये इसको आप ये जो कॉट थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, तो टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा = √3, तो 10³ + 1/10³ थीटा, वही चीज़ तो है, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, बस यहाँ पर टेन थीटा के जगह एक्स ले लिया है और वही है, यहाँ एक्स है यहाँ टेन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ये भी क्वेश्चन है, इसको टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा = √3 भी लिखा जा सकता है, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, तो वही बोल रहे ना कि दोनों, अब ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में आया है, तो कोई सोचेगा कि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है या अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और कितने लोग ऐसे होंगे जो यदि नहीं पता होगा तो छोड़ दिए होंगे ट्रिगो का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, यहाँ पर तो क्यूब दिख रहा है। तो अब देखिए सबसे आसान तरीका है इसका, सबसे आसान तरीका क्या है, क्यूब कर दीजिए। तो जब क्यूब कीजिएगा, 1³ + b³ 3ab, ये कट गया, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, √3, इधर क्या हो जाएगा, 3√3। तो अब देखिए x³ + 1/x³ ये हो गया 3√3, इधर से प्लस वाला 3√3 इधर आके -3√3, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 0। तो उसी तरह जब इसको भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0, समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो पता चलता है। तो x^6 = -1 वैल्यू आता है जब सॉल्व करते हो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x^6 = -1, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों का फॉर्मेट अलग है मगर आया जरूर हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं ट्रिगो का क्वेश्चन दिया है, cos 4π/3। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, cos 4 180/3 60, तो cos कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 240। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, ये आप बोलोगे कैसे, तो ये आपको क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला में सारा पॉजिटिव होता है, उसी तरह सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट का जो फॉर्म ये है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ से 90 होता है, 180, ठीक है। तो ये जब तक आप क्वाड्रेंट समझोगे नहीं तब तक आप नहीं होगा, ठीक है। तो आप जैसे कि अब कोई बोल देता है कि cos 90 - θ क्या होता है, तो आप तुरंत बोल देते हो sin θ। तो उसी तरह इसको आप लिख सकते हो ना, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, cos 180 + 60, ठीक है। तो cos 180 + 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में जान रहा है, तो जो कॉस यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पर सेक, ठीक है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जा रहा है, इसलिए कैसे जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी देख लो। यहां पर ये तो ये कॉस और सेक तो यहां पर पॉजिटिव हो गए, यहां पर निगेटिव होगा, यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो देखो यहां से यहां तक का क्या हो गया, 180, और फिर ये 60, तो देखो ये 180 और ये क्या हो गया, 60, तो ये कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस दोनों निगेटिव होगा, तो यहां पर कॉस 180 + 60 का जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, तो cos 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/2, तो यहां पर 180, यहां पर सब निगेटिव होगा, तो
माइनस वन बाई टू, ये आंसर हो गया। ये क्वाड्रेंट का जो है ना, आपको एक बार पता होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ है क्वाड्रेंट, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन कॉट का होता है, फोर्थ में कॉस सेक का होता है, यही चार चीज़ है। और ये आपको पता है तो हो गया। जैसे कि कोई बोल दिया कि कॉस 240, अब मान लो 240 इसके अंदर हो जाएगा, मतलब कि आपको 180 से अंदर 85 का वैल्यू क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है, ये पॉजिटिव में आएगा। ये मान लो आपको बोल दिया 110 का वैल्यू, कॉस 110, कॉस 110 का वैल्यू, तो ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 90, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ से 20, तो यहाँ पर कॉस निगेटिव में आया। ऐसे पूछता नहीं है कभी भी, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। और भी हम लोग ट्रिगो का क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो आया हुआ है, क्योंकि ट्रिगो का क्वेश्चन एक ही साथ पूरा का पूरा कर लेते हैं और अलजेब्रा का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b निकालना है, अगर a³ माइनस b³ बराबर 0 और a प्लस b बराबर 6। देखिए ये भी क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका अभी तक, फिलहाल अभी तक हम शिफ्ट जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन देखे हैं उसमें एक बार ये पी के फॉर्मेट में पूछा गया और एक बार ए बी के फॉर्मेट में पूछा गया। तो अब ए बी का फॉर्मेट देख लेते हैं पी का। अब ए के जगह एक्स वाई पुट कर देते तो उससे कोई वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं होना है। अब ए और बी नाम है एक तरह से, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी राम श्याम कुछ भी लिख सकता है। तो आप इस चीज़ को देखो, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि a³ बराबर b³, मतलब a बराबर b, ठीक है। इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तीन तीन वैल्यू हो जाएगा, तो तीन तीन छः। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3, एलसीएम सेम होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया ये। तो देखिए बोलने का आसान है कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा जिससे कि हेक्टिक टाइप का हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, जो क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा था साइन 60 प्लस 2/√3 का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है, 9-10 को आया है, किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 और प्लस 2/√3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3, तो ठीक है। तो ये √3 से √3 3, और ये क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कितना हो गया, 7/√3 आंसर हो गया। अभी देखिए यदि आंसर में ये होगा तो ठीक, नहीं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए 7/√3 आया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको आ सकता है 7√3/3 × 6। ये भी ऑप्शन में होगा तो ये मार दीजिएगा, ऑप्शन में अगर ये होगा तो इसको लिख लीजिएगा। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पता चल गया कि आपको आ रहा है, तो एक आपको क्या करना होगा कि एक पूरे टेबल को याद कर लीजिए कि सबका साइन 30 कोस 30 का वैल्यू क्या होता है। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, टेन 30 माइनस √3/2। देखिए इसमें हम सारा क्वेश्चन करेंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि हम ज्योमेट्री ट्रिगो अलजेब्रा सब अलग अलग करेंगे, हम सारे जितने शिफ्ट के हैं ना वो ट्रिगो और अलजेब्रा को कंबाइल कर दिए हैं। इसके बाद अभी इसी लेक्चर में हम लोग आप देखेंगे कि सारा जितना भी ट्रिगो भी होगा, मेंसुरेशन का भी जो क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा यहाँ 4 तारीख से लेकर 11 तारीख का जितना क्वेश्चन आया हुआ है ऑलमोस्ट नेट पर है, वो सारा हम इकट्ठा करके और वहाँ से जो भी मेरे दोस्त लोग भी जो हमको व्हाट्सअप किए हैं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हम लोग का, यदि आपको हम लोग से जुड़ना हो तो आप फेसबुक पेज पर भी जाके इसको आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो
प्लीज़ आप जाकर जब जो आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए वो नीचे में कमेंट में आप डाला करो, क्योंकि वो दूसरे के लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है, टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3 होता है, -√3/2। ये देखिए ये दो तीन बार आ चुका है, ये क्वेश्चन ये दो तीन बार आ चुका है। तो क्या होगा ना, ये आपको जो अभी बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले इसको सॉल्व किए हैं, 2 -3/√3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/√3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, रिपीट होता है और एक ही फॉर्मेट पर पूछा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं ना कि फॉर्मेट को बदला जा रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। x+2y=6, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, चाहे दो इक्वेशन हो या एक इक्वेशन हो, यदि एक इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को जीरो करो। अगर देखो x=0 पुट करते हो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। y बराबर जीरो पुट करते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये चीज आपको पता है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 6, y बराबर कितना है, 3। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3। तो आप देखो कोई एक इस टाइप का हो गया कि नहीं, ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए कि यह 90 डिग्री होता है। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप जानते हो ए बी सी दे दो इसका नाम। तो आप इस चीज को जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2, बेस क्या है, 6, हाइट क्या है, 3, तो यहाँ से 3 हो गया, तो ये 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट का। अब देखिए अब होता क्या है ना कि ये अब एक क्वेश्चन आ गया, तो अब इस चीज को आपको याद रखना होगा कि जब कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आ रहा था, थोड़ा कोऑर्डिनेट को आप पढ़ लें। अब देखिए ये एक इक्वेशन पर क्वेश्चन था, अब मान लीजिए x+2y=6 तो दे दिया है, अब इसी में एक और इक्वेशन जोड़ देता x+y=3, अब बोलता है एरिया निकालने के लिए, तो इसमें आप अलग अलग जीरो नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए और वहां से एरिया निकाल लीजिए, सबसे सिंपल। यदि दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एक एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा ना, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो एक्स वाई का दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो दो वैल्यू आ जाएगा, दोनों वैल्यू से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया, तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, वो इक्वेशन में चेंज कर दे कि 4x+y=10, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जो पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 120, ठीक है, और ब्रेथ बराबर बोल दिया है 8, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए ब्रेथ पता है तो लेंथ यहां से निकालोगे तो 120/8 तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो आप ये देखो कि अब एरिया निकालना है, ठीक है, चाहे पेरीमीटर निकालना है, तो कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्चुअल में ये पता नहीं चला कि इसमें पेरीमीटर पूछा है या एरिया पूछा है, तो एरिया भी देख लो और पेरीमीटर भी देख लो। ठीक है, तो पेरीमीटर का क्या पता है, 2 लेंथ+ ब्रेथ। ठीक है, एरिया क्या पता है, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, तो यहां से आपको पेरीमीटर निकल गया, यहां से आपको एरिया निकल गया। ठीक है, तो जो भी पूछा हो इसमें पूछा, एक तरह से आप देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी शिफ्ट में, बस हम लोग को ये पता नहीं चल पाया, लड़के लोग नहीं बता पाए कि इसमें एरिया निकालना था या पेरीमीटर निकालना था, दोनों में से कोई एक ही निकालना होगा। ठीक है, तो आप यदि लेंथ, यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछ दे कि लेंथ निकालना है, तो लेंथ आपका 15 हो गया, पेरीमीटर तो पेरीमीटर निकाल लिए, एरिया तो एरिया निकाल लिए, तो कुछ भी पूछता आप निकाल लेते। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिगो का अलजेब्रा का
किसी का क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। हाँ देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। देखिए तो हाँ, हम लोग डील कर रहे थे। देखिए x प्लस 2y बराबर 6, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया होता। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से x को 0 कर दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y को 0 कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और वहाँ से आप जब x बराबर 6 हो गया और यहाँ से y बराबर 3 हो गया, तो एरिया बराबर 1/2, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो इसका 9 आंसर हो गया। तो इसी में हम बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए दो इक्वेशन दे दिया, जैसे एक्स प्लस 2y = 6 दे दिया और एक्स प्लस y = 3 दे दिया, तो यहाँ से भी तो एक्स वाई का वैल्यू निकाला जा सकता है और फिर भी तो एरिया निकल सकता है। तो आप ये ध्यान रखो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या तो सिंगल इक्वेशन से निकल सकता है या डबल इक्वेशन से निकल सकता है। तो आप प्रैक्टिस दोनों इक्वेशन का कर लो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एरिया फिर उसका सिंगल इक्वेशन और डबल इक्वेशन दोनों से निकल सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ बराबर 120 दिया हुआ है, ब्रेथ बराबर 8 दिया हुआ है, तो लेंथ क्या होगा? तो लेंथ 120/8, यहाँ से 15 आ गया। अब देखिए, एक में ये पूछ दिया, दूसरे में पेरीमीटर पूछ दिया, तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा? 2 लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। तो कितना हो गया? 23 × 2, 46। एरिया पूछ सकता है, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन CHSL का बहुत ही आसान आ रहा है, हड़बड़ाने का बात नहीं। अगर आप अधिक ढंग से पढ़े हुए हैं तो आप मैक्सिमम 7 से 8 मिनट में पूरा 25 क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह हमने भी जब पहली बार दिया था CHSL, ठीक है, तो मुझे 50 out of 50 आया था, ठीक है। तो आप हड़बड़ाइए मत और आराम से करिए। 5 से 7, मतलब मैक्सिमम 8 मिनट लगेगा ऐसा क्वेश्चन में, अगर जैसा क्वेश्चन इस साल आ रहा है, 8, मतलब कि 8 से 9 मिनट मैक्सिमम आपको 25 क्वेश्चन करने में लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए, जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर ही आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एक एक क्वेश्चन और आया है जो आप लोग देखो, दिया है cot 10 × cot 20 × cot 60 × cot 70 × cot 80। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छा से थोड़ा लिख लो। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो cot θ × tan θ बराबर क्या होता है? 1, ठीक है। अब ये 1 कैसे होता है, कितने लोग ये पता कर होंगे? तो tan θ, cot θ को क्या लिख सकते हैं? 1/tan θ। तो ये कट गया तो क्या हो गया? 1। तो देखिए इसी इसी फॉर्मेट पर ये काम करेगा। अब cot 10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 90 − 10, cot 90 − 10, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है tan 80, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan 80। यहां से tan 80 है, यहां से cot 80, तो ये क्या हो गया? 1। ये और ये मिलकर क्या हो गया? 1। उसी तरह ये 70, और cot 20 को tan 70 लिख सकते हैं, या फिर cot 70 को tan 20 लिख सकते हैं, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो अब सिर्फ आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या, cot 60 का। तो cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3 आंसर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो आप देख लो कि किस दो का जोड़ 90 हो रहा है, ठीक है। क्या किस दो का जोड़ 90 हो रहा है? अगर cot 10 और cot 80 का 90 जोड़ हो रहा है तो 1, cot 20 और cot 70 का तो 1,
तो बचा क्या, कॉट 60 का वैल्यू। अब यहाँ पर कॉट 30 भी पूछ सकता था, कॉट 45 भी पूछ सकता था, और 30 पूछता तो वो रूट 3 आंसर हो जाता, कॉट 45 पूछता तो 1 हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं अलजेब्रा का। ये सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको, आप चेक कर लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में आया हुआ है। 3x + 1 x² - 3x + 1 = 1/2। और पूछा क्या है, फाइंड x + 1/x, ये निकालना है। तो देखिए, इस चीज़ को करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए कुछ लोग सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चले देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2x² + 6x + 2 = x² - 3x + 1, ठीक है, यही हो गया। इसको इस ये टर्म यहाँ चला गया, ये टर्म यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई की ये इक्वेशन बन गया। अब इसको इधर लाएंगे तो x² + 9x और +1 = 0। अब x से सारे को डिवाइड कर देंगे तो x हो गया +9 हो गया और 1/x हो गया = 0। तो x + 1/x = -9, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि इतना करने का मतलब क्या है। आप इसको 30 सेकेंड में तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट इक्वेशन में ही जो आपको दिया हुआ वहीं पर x से डिवाइड कर दो। ऊपर में डिवाइड करोगे तो x + 3 + 1/x, नीचे में डिवाइड करोगे क्या, x - 3 + 1/x = 1/2, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा x + 1/x = -9, ठीक है। तो आप किसी भी तरह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बस आपको करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि x + 1/x यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, और +6 इधर हो जाएगा x + 1/x - 3, तो ये 6 इधर जा जाए। अब 2x + 2/x - x - 1/x = -9। अब इसको घटाओगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह करो, आंसर दोनों में समान ही आएगा, जो आप कंफर्टेबल हो आप कर लो, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन और है। ये है, अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, x³ से डिवाइड कर दिए, खोजना आपको। x³ से डिवाइड करोगे तो x³ + 1/x³, ठीक है। x³ + 1/x³, यही चीज तो आपको निकालना है वहां से। तो देखिए, इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, मगर जो बेस्ट तरीका है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर क्या है, वैल्यू माइनस में, निकालना क्या है प्लस में। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको x + 1/x का वैल्यू पता होगा, तभी तो x³ + 1/x³ निकलेगा, दोनों तो सेम ही है, यदि x डिवाइड के तैयार आगे, ठीक है। तो अब देखिए, इस पहले हम लोग x + 1/x निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका यदि दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे हो, ठीक है। अब देखिए, a² + b², देखिए, अब इसको आप कितना लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लो, x² + 1/x² - 2 ab खत्म हो जाएगा 9, तो ये 2 इधर गया तो 11 हो गया। तो ये आपको पता चल गया कहाँ से आ गया। अब देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जब x² + 1/x² = 11 है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि
11 हो गया। तो देखो अब इस चीज़ को, अब यहाँ से आपको x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है। तो देखो इस चीज़ को दो तरीके से किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इससे आपको x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, तो इसमें माइनस 2 करिएगा, 11 माइनस 2 रूट अंडर, ये क्या निकलेगा x माइनस 1 बाई एक्स, और 11 प्लस 2 रूट अंडर, ये क्या निकलेगा x प्लस 1 बाई एक्स। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया रूट 9, 3 हो गया, इस यही चीज़ तो दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया रूट 13। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है 13। तो अब देखिए x क्यूब निकालना है, तो आपको ये फार्मूला पता है, दोनों साइड इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, और ए प्लस बी के जगह एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 13√3। यदि 13 का क्यूब करोगे तो 13√13 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ये एक्स क्यूब कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब 3, और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है √13, अब बराबर बाई 13√13, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10√13 आंसर हो गया। तो देखिए इसमें हम आपको इतना लेंदी करने का मकसद नहीं था, मगर समझाना ज़रूरी था। देखिए आपको करना क्या है, पहले एक्स स्क्वायर निकालिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा, तो 9 और प्लस 2 11, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से आपको जब ये पता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स डायरेक्ट कि इसमें 2 जोड़ के, यदि यहाँ से आपको यहीं से यदि आपको निकालना हो तो x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा √13, क्योंकि 2 जोड़ के रूट चढ़ा देना है, और x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा इसमें से 11 में से 2 घटा दीजिए और √10, तो 9 हो जाएगा, तो 9 का 3 हो जाएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अलजबरा का है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 6 बी प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 ए माइनस 3 इंटू 2 बी, इसको क्या लिख सकते हो 9 प्लस 9। ऐसा हम क्यों किए कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी निकले, ये कब निकलेगा जब किसी एक स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा तभी तो निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आप सबको सेपरेट करो, ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 ए प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 बी प्लस 9 इक्वल टू 0। यही चीज़ तो ये है, हम केवल इक्वेशन को तोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ से पता आपको चल रहा होगा कि ए माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, और यहाँ से पता चल रहा होगा कि b माइनस 3 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो ये आपको पता होगा कि अगर इस टाइप का इक्वेशन हो तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0 और b माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर क्या हो गया 3। तो अब देखिए वैल्यू क्या पता करना है a माइनस b का, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और a प्लस बी पता करना तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 12-11 तारीख तक ये हम सारे डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान सा आया है, 10 या 11 तारीख को, 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, इसका वैल्यू पूछा है। तो आपको ये पता हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए आप इसको
क्या कर सकते हो, 90 में से जब 21 घटाओगे तो क्या होगा, तो साइन 90 माइनस 21 क्या होगा, आप कॉस 69 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69। आपका इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि दोनों को, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, या तो आप इसको कॉस में चेंज कर लो या तो फिर आप इसको कोई एक को दूसरे फॉर्म में ले जाओ, ताकि आपको ये पता हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा का वैल्यू बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अब कुछ अलग अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, और ट्रिगो का एक दो क्वेश्चन और देखिए जो कि आया हुआ है, और ये हर बार रिपीट हो रहा है, रेगुलर 2-3 बार पूछ लिया गया। ए बी सी ये 45 दे दिया है, और टेन सी प्लस √3/2 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए आपको पैथागोरस थ्योरम पता है, तो टेन सी का वैल्यू कितना दिया है, 45। 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या करना है, सी का वैल्यू 45, तो टेन 45 का वैल्यू 1 प्लस √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3/2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं आप, वो तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना होगा। इस तरह इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार पूरा अलजेब्रा और ट्रिगो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अदर भी जो अदर जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए एक इकट्ठे यदि हम लोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और, इतना ही शिफ्ट में कितना क्वेश्चन रिपीट हो गया ये आप देख लो। चलिए इसको फ्रेश पेज में करते हैं। क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और गिवेन है टेन थीटा बराबर 3/4। ठीक है, तो देखिए इस चीज ये चीज तो आपको पता चल गया कि टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4, ये 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और कैसे पता चला, देखिए ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है, तो P/B यही तो है, और H क्या हो जाएगा यहाँ से, 5। आपको ट्रिपलेट पता होगा, तो ट्रिपलेट पता है तो ये 5 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो AB का यहाँ पर गिवेन है, ये तो गिवेन है, एक चीज़ और दिया हुआ था कि AB बराबर वो 6 मान लिया है। देखिए AB बराबर 6 कब आएगा, जब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो पूछा क्या था, पूछा था AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10। तो ये आपको पता होना, एक चीज़ और जान लो, 3, 4, 5 है अधि ट्रिपलेट, तो अगर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, अधि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो आप जब भी किसी चीज़, ये तीनों एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई होना चाहिए ताकि वो कट जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन पीछे भी आपको हम बताएं, अभी भी बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो रहा है ना कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से वो पूछ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया है, आप देख लो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, AB C 12, 13 और cosec u बराबर 13/12। देखिए पूछा है कि BC का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो BC का वैल्यू साफ आपको पता चल रहा है कि यहां पर 5 होगा, क्योंकि 5 बार ये दिया नहीं रहता तब पर भी पता चल जाता है, ये क्या है, ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है, तो 5² + 12² = 13² ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम इस पर लागू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको आया है, और इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए, और जितना भी बताएं वो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं, हम खुद से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जो आपको नेट पर आया है या फिर ललका लोग का रिव्यू है उसी को बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो आया है इसी टाइप का, ZXY ये 3 दे दिया या 5 दे दिया, और cos X = 3/5 फुट, ये भी cos X = 3/5 दे दिया है, फाइंड cosec Z,
अब देखिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 3 5 दिया है तो ये क्या हो गया, 4 ट्रिपलेट, पहले तो आपको पता चल गया। अब देखिए कॉसेक्स जेड बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5/3। देखिए यहाँ से कॉस बराबर ये पता है, तो साइन थीटा बराबर आपको क्या पता चलेगा, साइन थीटा बराबर कॉस बराबर 3/5 दिया है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 होगा ना जी, ये कॉसेक पूछा है ना, 5/4 होगा, ठीक है। तो कॉसेक जेड पूछा है, तो देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ये हो गया साइन एक्स का वैल्यू, यहाँ पर जेड पूछ दिया है, ये यहाँ से पूछा है, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि इसके सामने वाला इसके लिए क्या काम करता है, परपेंडिकुलर का। तो अब यहाँ से आपको एक चीज का पता चल रहा है कि ये जेड के कोसेक के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा, तो हाइपोटेन्यूज सेम हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3। यहाँ पर एक्स था तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम, अगर मान लीजिए ये तो कोसेक कोसेक जेड पूछा तो 5/3, अगर कोसेक एक्स पूछ देता तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये कर रहा है, तो 5/4 हो जाता। तो देखिए अब दोनों ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये भी पूछ सकता है, चाहे कोसेक अब कुछ भी पूछ सकता है, आप देखो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। जब आप देख लिए कि एक ही ट्रायंगल का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो वो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए और भी अब हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी चलते हैं, ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन और भी एक आया हुआ है, ठीक है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन, आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको घर पर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है 800, रेट दे दिया है 8%, टाइम दे दिया है 8 मंथ, तो फाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 800, पी नहीं पता है, रेट 8, टाइम कितना दिया है 8, तो इसको मंथ पर एनम का है, तो मंथ को ईयर में चेंज कीजिए, तो 8 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, यदि 8 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो गया, ठीक है, ये 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 100, 4 2 के 8, 4 3 12, 2 5 10, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इतना आंसर प्रिंसिपल 15,000 हो गया आंसर। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया पूछ दिया है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4, और ए के जगह 10 पूछ करो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये क्या हो जाएगा 25√3। अब इसमें परपेंडिकुलर हाइट भी पूछ देता, अगर हाइट पूछता तो ये हो जाएगा √3/2a। देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ये नहीं पूछा है तो ये पूछ सकता है, तो √3/2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, और क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो आया है सर्कल से, कि सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर जो है वो सेम है, देखिए ठीक है, और रेक्टेंगल का जो दो साइड है, रेक्टेंगल साइड आर
18 और 26। तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस चीज को करने का आपको एक चीज तो पता है कि यहाँ पर क्या बोलता है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का 2πr, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बराबर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से ये 2 2 खत्म हो गया। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 r। अब देखिए लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 26+18 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों साइड दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ से इसको जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 22/7 आर, तो 22 × 44, तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो अब क्या पूछा, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, रेडियस क्या है, 14 × 14, तो 7 × 14, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 616 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आसान था कि सर्कल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर को दो, पहले ही वो बराबर कर दिया है, तो हम लोग यहीं से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सर्कल और पेरीमीटर को बराबर कर दिए, ये इतना आ गया, पाई का वैल्यू पता है, यहाँ से रेडियस हमको पता चल गया, वहाँ से सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है कि रेडियस क्या होता, यदि रेडियस पूछता था 14, डायमीटर पूछता तो उसको दोगुना कर देते, तो पूछा है एरिया तो एरिया निकाल दिए, या फिर पूछ ये भी पूछ सकता था कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता, तो 2πr। ठीक है, ये भी पूछ सकता था कि यदि सेमी सर्कल, इसी सर्कल को अगर सेमी सर्कल कर देते हैं तब उसका एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, जब आपको रेडियस पता है तो जो भी पूछता है आप बता देते हैं इस चीज़ को। तो देखिए कहने का तरीका है कि क्वेश्चन जो आ रहा है आसान ही आ रहा है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक शिफ्ट में। तो देखिए सबसे पहले तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया इसलिए इसको सीधा बनाने का कोशिश करते हैं, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब बोला है कि इसका सरकम सर्कल, तो सरकम सर्कल ये हो गया, और ये बोल रहा है, एक मिनट रुकिए, और इन सर्कल होता है सर्कल स्क्वायर के अंदर, देखिए इन सर्कल हो गया, ये हो गया इन सर्कल, ये हो गया सरकम सर्कल, और देखिए ये स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, मान लेते हैं स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, ए है। तो देखिए जब स्क्वायर का साइड ए है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, जो रेडियस हो जाएगा इसका a/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जैसे ये मान लीजिए कि सर्कल है, इसको ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ई भी तो ए है, तो ये सेंटर है, तो ये a/2 हो गया ना, ये आप समझ गए। उसी तरह एक स्क्वायर ये है, ये चीज है, अगर ये ए दिया हुआ है, ये भी ए है, क्योंकि चारों साइड तो बराबर होगा स्क्वायर का, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √2a। तो √2a को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो √2a/2, तो √2a/2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये √2a आपको पता चल गया। तो अब देखिए अब रेशियो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल, तो इन सर्कल का एरिया यहाँ पर देखिए, इन सर्कल का रेडियस क्या है, a/2, आउटर सर्कल का रेडियस क्या है, √2a/2, ये पता चल गया हमको, आपको भी पता चल गया, इस ये कट गया, a कट गया, तो इसका क्या आ गया, 1/√2, ये साइड का रेशियो हुआ,
ये साइड का रेशियो, ये जो हुआ ना, ये आपको इसका रेडियस का रेशियो होगा लोग, ये आर वन बाई आर टू क्या हो गया, वन बाई रूट टू, आर वन बाई आर टू, ठीक है। अब यहां पर एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो एरिया क्या होता है, एरिया सर्कल का पाई आर वन स्क्वायर, ये हो गया इनर सर्कल का, एरिया हो गया सरकम सर्कल का, तो ये हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर, तो ये खत्म हो गया। अब देखो आर वन, इसको आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू आंसर। देखिए इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर कम से कम तो 5 बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर तो इसी तरह सबको याद रहता है, लगभग सबको पता होता है कि 1/2 होता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जब करने चलो तो उसको अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो से, किसी चीज़ का रेशियो है जो दिया हुआ है 2, 3 और 5 के फॉर्म में, और इसका सम जो है वो दिया हुआ है 275। तो बोल रहा है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी क्वेश्चन आया है सीएचएसएल में। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे एक चीज आपको पता होगा कि जब सम बोल दिया है तो तीनों का सम, अधि मान लीजिए इसको सम कितना होगा, 5 3 8 10 के बराबर 275, यही तो बोल रहा है, ये तीनों का सम ही तो 275 के बराबर है, तो हम रेशियो में है, तो इसके साथ मान लीजिए के कुछ होगा, के कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये के बराबर क्या हो गया, 275/10, हम काटेंगे नहीं, रहने दीजिए। अब पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट यदि के, जो के हम लोग किए हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2K 3K 5K, ए का वैल्यू मान लीजिए 2K, बी का मान लीजिए 3K और सी का मान लीजिए 5K, यही चीज तो है, के से मल्टीप्लाई। अब ये के पता नहीं है हमको, वो पता चल जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर पता चल जाए, तो आप के पता कर लिए, जब के पता कर लीजिए तो आपको ग्रेटेस्ट, तो ये के 5 में मल्टीप्लाई होगा तभी तो ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि बाकी तो 3 2 छोटा है, तो 275/10, तो 5 2 के 10, तो सी बराबर 1 2 3 6 2 7 14, 137.5 आंसर होगा। अब ये पूछ सकता था, देखिए क्वेश्चन में वो जैसे क्वेश्चन लड़का लोग जा रहा है कि रेशियो दिया हुआ है, तो वो ये बोला है कि रेशियो 2 3 5 है, तो ये आपको पता है कि सम तीनों का रेशियो का जो सम है वही तो 275 है, तो ये तीनों का सम कितना होगा, इसके बराबर 275, यहाँ से के का वैल्यू पता कर लिए, हमको पता है कि 2 3 5 का रेशियो है, तो 5 में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई किए तो ग्रेटेस्ट नंबर पता चल गया हमको। तो चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखिए ठीक है एक क्वेश्चन और देखिए। देखिए मार्केट प्राइस जो है वो दिया हुआ है 6,000, ठीक है, और बोला है आफ्टर गिविंग डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ 20% ही मेक प्रॉफिट ऑफ 60%। ये क्वेश्चन है ठीक है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, मगर सबसे सिंपल तरीका देखिए, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट बराबर सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट, और यहां पर फाइंड करना है सीपी, और इस फॉर्मूला पर अगर आप डिस्काउंट में 400 क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है तो 400 में 70 क्वेश्चन जो होगा सिर्फ इस फॉर्मूला पर डील हो जाएगा, 400 में 70 से 100 क्वेश्चन के करीब में, हम आपको बता सकते हैं हर साल विदाउट गैप प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विदाउट गैप। अब लड़का लोग करता क्या है ना कि इसको पूरा लेंदी करके सॉल्व करता है, लेंदी करके हम भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहले मार्केट प्राइस है वहाँ से एसपी निकाल लीजिए, एलएसपी से सीपी निकाल लीजिए, मगर हमको पता है कि जब ये हर साल आता है तो इसका फार्मूला क्यों नहीं याद कर लें,
जो क्वेश्चन हर साल आता है ना उसको आप प्रैक्टिस करोगे। देखो बेसिक जानना जरूरी है, बेसिक जान लो, बेसिक भी बता देंगे जब जब हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं पेपर का, जब हम अपना पूरा लेक्चर डालेंगे डिस्काउंट का, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर डील कर देंगे हम लोग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद करना याद करना, ये नहीं, ये चीज़ है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आप बेसिक से भी करोगे तो यही है, बेसिक जब करोगे ना तो लास्ट जो फॉर्म आता है वो यही है, तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट फॉर्म ही पता है, तो लास्ट फॉर्म से आप इसको बस अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लो, ठीक है। तो देखो 6,000 डिस्काउंट कितना है, 80%, 20% दिया है तो बेचा कितना, मतलब था 80% कीमत रहा उस उतना ही बेचा है, ठीक है। सीपी पता नहीं है, प्रॉफिट कितना है 60%, तो 60% 100 था तो ये हो गया 160, ठीक है। सीपी ठीक है, और आपको पता चल गया, चलिए ठीक है, सीपी निकल गया। ये आप सबसे आसान तरीका अब वही आप करते कि अब इसको बेसिक से करते तो 6,000, 6,000 पर आप देते कितना डिस्काउंट, देते आप उसको 20%, तो 80% पर बेचते, तो ये हो गया आपका सीपी, 60 × 80 हो गया सीपी। अब यहाँ से एसपी निकालते तो 60%, 60% प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ से फिर आप करते। तो देखिए ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता, सबसे आसान है कि जब देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये 3 शिफ्ट में आ चुका है, अभी तक ये क्वेश्चन 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देखो कि आपके शिफ्ट में भी आ सकता है। तो इसीलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को अब दोबारा नहीं बता, हो सकता है यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज हो जाए या डिस्काउंट का परसेंटेज चेंज हो जाए, तो इस एक ही क्वेश्चन को हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 6,000 की जगह 8,000 आ जाए, चाहे कुछ भी हो सकता है 10,000 आ जाए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो और इसको देख लो एक बार, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो दिया है वो दिया है, ये निकालना है हम लोग को, ये दिया नहीं हुआ, ये निकालना है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 28, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर और प्लस 2 आर। ये कैसे हुआ, देखिए ये सर्कल हुआ, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो सबसे पहले तो ये सेमी सर्कल हो गया था, इसको देखिए अब कुछ इस तरह का डील हो रहा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का तो ये अब और इसको 2 से डिवाइड करेगा तो पाई आर आ गया, तो ये तो पाई आर आ गया, इसका क्या, ये आर प्लस आर 2 आर, ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आउटर सरफेस पूरा, तो ये पाई आर हुआ, ये 2 आर हुआ, तो पेरीमीटर आपको इतना है। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर बराबर आर को कौन बाहर निकाल लीजिए, 22 बाई 7 प्लस 2, ठीक है। रेडियस कितना दिया 28, 22 प्लस 14 बाई 7, 7 LCM ले लिए तो ठीक है, 7 × 28 यहाँ से हो जाएगा 4, 4 × 2 = 36, और 36 × 144 आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ, आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नंबर सिस्टम से, क्वेश्चन है 729 प्लस 729, यहाँ पॉइंट है 729। तो देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर किसका है, 27 का, ठीक है। ये तो आप इसका वैल्यू क्या हो गया 27, इसका वैल्यू क्या हो गया 27, डबल के बाद है तो 1। प्रॉब्लम यहाँ पर है 729 रूट अंडर, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 729 बाई इसको क्या लिख सकते हो,
7:29/10 यही लिख सकते हो। तो आप 7:29 का तो 27 बाहर कर लोगे, मगर रूट अंडर 10 हो जाएगा ये। तो देखो एक चीज आप ध्यान दो कि ये 10 जो है ये किसके अप्रोक्स है। क्वेश्चन देखो एकदम एग्जैक्ट आंसर किसी को हमको क्या एग्जैक्ट, देखिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ना वो एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया होगा, वो थोड़ा वेरिएशन करके देते हैं लोग। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था, किसी का नहीं है। मगर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब कि ये 3 जा सकता है यहाँ पर 3 point something। तो मतलब कि 3 × 8 = 27, 9 तो मतलब 8 और 9 के बीच में है। तो आप मान लो कि ये कितना है 8.5, 8.2, 8.3 कुछ भी मान सकते हो, तो 8 point कुछ भी मान सकते हो, ये हो गया 2.7, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 38.23, ये अप्रोक्स में आपका आंसर होगा। देखिए इसका अप्रोक्स, अब यहां पर 8.7 भी ले सकते हैं, 8.8 भी ले सकते हैं, मगर वो ऑप्शन में ये वेरिएशन ज्यादा देगा, क्योंकि अब 38.23 दिया होगा तो वो 39 देगा, 40 देगा, चाहे 36 देगा, इस टाइप का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दिया हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, क्या दिया हुआ है एक सर्कल, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का एग्जैक्ट पता नहीं चला इस टाइप का क्वेश्चन, मगर देख लीजिए केवल फोटो बना के लड़का लोग भेज दिया था, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और साइड दे दिया है 9 और 12। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये ट्रिपलेट है, कैसे देखिए 3, 4, 5 तो 9, 12, 15। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है रेडियस सर्कम सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस पूछा है। तो देखिए ये आपको पता चल गया 15, तो आपको ये एक सर्कम सर्कल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और सर्कम सेल का पता हो तो हाइपोटेन्यूज का वो हमेशा आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 7.5, तो इसका रेडियस कितना हो गया 7.5, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, ये भी निकालने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपको रेडियस तो पूछ दिया, मगर ये पूछ देता है मान लीजिए ए बी सी डी, पूछ देता है कि फाइंड द हाइट ऑफ हाइट बी डी का, तो निकालिए कैसे निकालिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखने से हड़बड़ा जाते हो। देखो ये सेंटर है, ये भी तो 7.5 ही होगा, ये भी तो 7.5 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया, देखिए टाइम एंड वर्क का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, जो जो पूछा गया है एग्जाम में, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये पूछा गया है 10 या 11 तारीख के शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया ये, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे 120, ठीक है, 8, 15 है, 12 और ये हो गया 10, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको पता होना चाहिए, अब यहां से पूछा क्या है वो फाइंड सी, ये चीज दिया हुआ था सी निकालना हमको। तो देखिए हम अब करता क्या है लोग कि ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे पूरा दिन, उसमें से बी सी घटाएंगे, हम उसके वर्क पर ही ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि ये ए प्लस बी 15, इसका वर्क एफिशिएंसी, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए इतना, तो देखिए 2a + b + c = कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 35, 37 हो गया। आप 2 तरीका 3 तरीका से कर सकते हो, मगर सबसे आसान तरीका निकालने का यही है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 18.5, ठीक है। अब देखिए निकालना क्या है c, तो इसमें ए बी बराबर कितना है 15, इसका वैल्यू कितना दिया है 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3.5,
5। ये तो हो गया आपको इफिशियंसी का। अब ये 120 काम कितना दिन में करेगा, तो 3.5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, तो देखिए 240/7 दिन आंसर आ गया। ठीक है, कुछ गलती हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखो करने का। देखिए, और आप और भी तरीके से कर सकते हो, देख लो, जैसे इस चीज को तो आप देख लिए, आप कर सकते हो कि तीनों का सेपरेट सेपरेट निकाल लिए। ठीक है, एबीसी का पूरा दिन का पता चल गया आपको, तो एबीसी का पता चल गया तो वहां से सी का पता चल जाएगा। मगर सबसे आसान तरीका यही है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन दिया था कि किसी सर्कल का एरिया का इतना बराबर समथिंग दे दिया था। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब एक तरह से करो पाई आर स्क्वायर बाई 2 = मान लो 600 दे दिया है। तो यहाँ से वो पूछा है पेरीमीटर सेमी सर्कल का, तो ये तो आसान है। मान लीजिए कि यहाँ से ये बोल दिया है, यहाँ पर 600 नहीं, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, मान लो 666 है, तो आप आर स्क्वायर बराबर 660/22 × 7 × 2, तो 22 × 30, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 30 × 14, यहाँ से ये रेडियस आ गया, वो जो भी आ जाए और उसको इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये वैल्यू क्या था, मगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है इसलिए इसको बता देना जरूरी था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया था कि 69120 का परफेक्ट स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है 69120 का एलसीएम ले लीजिए। तो इसको करते जाइए, 3 से करिएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 12, 0। ठीक है, ये 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर 3 से करिए, 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 18, 3 × 8 = 24। ठीक है, फिर 3 से करिए, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अब 2 से करिए, 3 से नहीं जाए, 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए। देखिए इसको सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब ये 40 को फिर करिए, देखिए तो यहां पर परफेक्ट क्यूब पूछा है, स्क्वायर नहीं, क्यूब। तो देखिए एक क्यूब तो ये बन गया, एक क्यूब ये बन गया, एक क्यूब ये बन गया, कुछ गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर गलती किए हैं, ये 20 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो फिर एक क्यूब ये बन गया। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 एक ही है तो 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में था 5, 25, 20 और D 45, तो 5 × 25 ये आंसर हो गया। देखिए इस चीज का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, परफेक्ट क्यूब निकालना। परफेक्ट आदि स्क्वायर पूछता तो 2 2 का कर लेते, पेयर बना लेते, क्यूब पूछा है तो इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखो और इसको करो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है
कि कोई एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, डायमीटर कितना है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, ये गिवेन है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, हेमिस्फेयर का 2/3 πr³। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 22/7, और आर क्यूब का वैल्यू कितना है, 21/2 × 21/2 × 21/2। अब जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, देखिए कर दीजिए, 7 × 21, ठीक है, 3 × 7 = 21, 11, अब आ गया 33 × 7 × 21। अब ये आंसर हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने पर। और देखिए मल्टीप्लाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका देख लीजिए कि 7 × 21, जो ऑप्शन में 1 पहले होगा वही आंसर हो गया। यदि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके दिया हुआ है, तो एक पहला अंक को ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो पहला अंक से यदि आंसर मिल गया तो फिर आगे क्यों मल्टीप्लाई करें हम लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे और एक क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि किसी ए एक वैल्यू है, ए को 20% दिया हुआ है, बी का 50% दिया हुआ है, और दोनों का एवरेज जो है वो 25% दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो पूछा है ए बी का, तो ये सबसे मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, 20%, 50% और एवरेज 25, जो देखिए बीच में जो होता है वो एवरेज होता है। तो ये 25, ये क्या हो गया, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ क्या हो गया 5, तो 5:1 का रेशियो हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, रेशियो का। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए बोला गया था कि एक क्यूब है, ठीक है, उसके साइड को 10% बढ़ा देते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यूब का जानते हैं, एक क्यूब होता है बोलो, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला जान जाओ, x+y+xy/100, ये सारे के लिए लागू होता है चाहे कोई भी हो। तो देखिए क्यूब के लिए 3 बार होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 10+10, 100/100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21, ये तो आ गया 21, और एक बार और करेंगे, 21 और 10 का पेयर बनाएंगे, तो 21+10+21×10/100, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो कितना हो गया, 31 और +2.1, तो क्या हो जाएगा, 33.1 आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप देखो, अब इसी चीज़ में क्यूब की जगह पूछ देता कि एक ट्रायंगल है, चाहे एक साइड है, रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ और ब्रेथ को हम लोग 10-10% बढ़ा दिए, तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ता, तो वो डायरेक्ट 21% हो जाता, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर पूछ दिया, बोलेगा कि स्क्वायर का जो लेंथ है और ब्रेथ है, जिसको स्क्वायर का जो साइड है उसको 10% बढ़ा दिए, तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर, 1/2 a² तो ए स्क्वायर 2 बार है, मतलब a × a है, तो उसके लिए भी यही फार्मूला आ जाएगा। देखिए इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक और आया है कि a+b जो है किसी काम को 12 दिन में, b+c किसी काम को 20 दिन में, c+a किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम लेने का, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ये कितना नंबर में, 10, 6, ठीक है, 8 मर्त में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया, इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2a+b+c=, यहाँ से जोड़ो, 10, 8, 18, 2, 20, 2, 24, तो a+b+c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो अब ये देखिए इफ ये डे नहीं है, ये यहाँ का जो इफिशेंसी का, जो उसका काम करने का क्षमता, उसका ये बता रहा है। तो अब यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है कि a+b+c कितना दिन में करेगा, तो ये तो 12 हो गया, मगर अब पूछ दिया कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी कितना, a+b का कितना है, 10, तो a+b का कितना है, तो सी का कितना हो जाएगा, 2, 2 हो गया, तो 120 का हमको कितना दिन में करेगा, 2, 60 दिन में,
ठीक है। अब देखिए ये एक चीज़ और बता देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो इफिशियंसी का था, तो 12 से करोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, 10 दिन में कर देगा। 10 दिन में काम किया ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम कितना है 120, अब आई डिवाइडेड बाई 12, तो ये 10 दिन हो गया। मगर यदि सी का पूछ दिया तो आपको 12 है, यहाँ पर 10 है, तो आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी 12 है, ए प्लस बी का 10 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 120 काम 2 के एफिशिएंसी कितना में करेगा, 60 दिन में। उसी तरह बी का पूछ दे, तो बी का पूछ देगा तो ए प्लस सी कितना 8, तो कितना बी का क्या है 4, तो 120 काम को ये 4 चढ़ती है 12, 30 दिन में कर लेगा। उसी तरह ए का पूछ दे, तो ए का पूछ देगा अगर, तो ए का पूछ देगा तो इसका 6, तो इसका 6 हो गया, तो 120 बाई 6, 20 दिन में। ठीक है, तो आप कोई भी निकाल सकते हो अगर इफिशियंसी का खेल जानते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, कि एक क्वेश्चन आया है कि लेंथ को 40% बढ़ा दिए, ब्रेथ को 70% बढ़ा दिए, यहाँ पर दोनों लेंथ ब्रेथ को अलग अलग बढ़ाए हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तो वही फार्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 40 प्लस 70 अब प्लस 40 × 70 अब बाई 100, 110, 21, 131, 28 होगा ना, यहाँ सच्चों का 28, 8, 138। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब ये पता चल गया, बहुत देखिए इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 60 को होगा, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, जब ये आपको पता चल गया कि आपका एरिया निकलने का ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट करो ना, 7 × 3 = 10, 1 = 11, 110 हो गया। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 00 है, तो 00 नीचे का खत्म हो गया, 25 का 28, तो आप 138 डायरेक्ट लिख सकते हो। इतना क्यों करना है हर बार आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक्स प्लस वाई है तो डायरेक्ट जोड़ दो 110, और 25 का 28, 00 खत्म हो गया नीचे वाला से, 138 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आया था कि एरिया दे दिया था 55 44, ठीक है, और डायमीटर पूछा था, तो एरिया का सर्कल, एरिया सर्कल का एरिया दिया है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 55 44, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 42। ठीक है, तो रेडियस 42 हो गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये आप आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है। अब देखिए एक चीज़ का और आप लोग ध्यान रखिए, कि अब एवरेज से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा गया है, जो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज का। पूछा था एवरेज ऑफ 39 इवेन नंबर। तो देखिए जब इवेन नंबर का बात हो, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं यार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए जब इवेन नंबर का बात हो तो एन प्लस वन, तो ये क्या हो गया 39 + 1 = 40 आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मगर अभी तक ऑड नंबर का नहीं पूछा है। तो अगर पूछता, ये पूछा जा चुका है सीएचएसएल में, इसी 10 या 11 तारीख को, या मतलब कि 4 से 11 के बीच में ये पेपर में आया हुआ है। हम सारा देखिए मैथ का क्या है ना, कि एग्जैक्ट सारा क्वेश्चन पता नहीं चल पा रहा है कि कितना, मतलब मैक्सिमम 12 से 13 14 15 क्वेश्चन लोग रिव्यू में देते हैं, तो 15 क्वेश्चन को अब एक ही क्वेश्चन जो होता है ना, वो अगर 5 6 दिन बाद सारे को सॉल्व करते हैं तो पता चल जा रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है एवरेज का, इससे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन तो पूछ दिया, मगर ये नहीं पूछा है अभी तक कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर। तो कोई भी, अब इसी का बोल लेते हैं, एवरेज ऑफ 39 ऑड नंबर, तो इसका फॉर्मूला ही होता है एन, तो आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, इवेन नंबर का एन प्लस वन, ऑड नंबर का एन। ठीक है, तो हम आपको दोनों बता दिए, इवेन पूछा जा चुका है, ऑड नहीं पूछा है, तो ऑड पूछ सकता है, इसलिए ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया है, ठीक है, पूछा है
कि एस एक मतलब वन से लेकर 21 तक का स्क्वायर का एवरेज बताइए, एक से 21 तक का स्क्वायर का एवरेज बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लो आंसर आ जाएगा। अब 21 यहाँ पर पुट कर लो और जो भी आएगा वो आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, स्क्वायर का तो पूछ दिया, अब क्यूब का नहीं पूछा है। तो क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो स्क्वायर का ये तो पूछ दिया, तो यहाँ पर 21 एक 22 और 21 दूनी के 42 एक 43 और डिवाइडेड बाई 6, यही आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो आप देखो अब आपको पता चलेगा कि एवरेज पूछ दिया स्क्वायर का, तो क्यूब का देख लो और ऑड नंबर का, इवेन नंबर का, एवरेज का जो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना होगा, देखना होगा। देखिए चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए। और भी क्वेश्चन अभी बाकी है जिसमें फोर्थ और 4 से लेकर 11 तारीख वाला में, वो सेकेंड PPT में हम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।